हेलो बच्चों, मैं हूं रोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं अ क्यूरियस सेल। तो हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे थे और आज हम लास्ट पार्ट में पहुंच गए हैं इस चैप्टर के। और आज हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। जो फूड हमने खाया था, अब उसका पूरा डाइजेशन हो चुका है, अब हमें उसको एब्जॉर्ब करना है अपने बॉडी के जो डाइजेस्टेड फूड है उसके जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है जिसकी हमारी बॉडी को आवश्यकता है या फिर जिसकी हमारी बॉडी को नीड है, उस प्रोडक्ट को हम एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी में असिमिलेट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ। तो क्या कहा गया है, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ। इट इज कैरिड आउट बाय पैसिव एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। देखिए, अब एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, डाइजेशन का मतलब होता है जो फूड को कोई फूड का मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मतलब मैंने आपको बताया था बड़ा मॉलिक्यूल है, तो उसे हम क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी पार्ट्स में, एब्जॉर्बेबल पार्ट्स में उसको तोड़ रहे हैं जिसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए उसे। तो हमने इसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। अभी जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इनके मोनोमर्स में एक पॉलीमर था। ये क्या है, ये एक पॉलीमर है। ओके, ये एक पॉलीमर था। अब हमने इस पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स में उसे कन्वर्ट कर दिया है। अब इस कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स को हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ, जो डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट है उसे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से होते हुए ब्लड या फिर लिम्फ में पहुंचाना। अब ब्लड क्या है, लिम्फ क्या है, ये हम देखेंगे सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, लेकिन अभी ब्लड तो आपको पता होगा। लिम्फ जो होता है वो क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। समझिए, सेल है, दो सेल, तीसरा सेल है। अब इन सब सेल्स के बीच में जो फ्लूइड है उसे हम लिम्फ कहते हैं। ठीक है, लिम्फ भी जो है ट्रांसपोर्ट में मदद करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने में, और जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने में बहुत ही मदद करता है ये हमारी बॉडी की। ठीक है, तो हम सर्कुलेशन चैप्टर में इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। आगे क्या, देखिए क्या कहा गया है, इट इज कैरिड आउट बाय पैसिव एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। मतलब ये पैसिव एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से हम एब्जॉर्ब करते हैं फूड, डाइजेस्टेड फूड को। अब ये क्या है, ये आपने पढ़ा होगा ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में, ट्रांसपोर्ट्स इन प्लांट, इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, पैसिव और फैसिलिटेटेड, समझिए सेल मेम्ब्रेन है। अब अगर यहाँ है कोई चीज़, ये सेल है अंदर, ठीक है, इसमें सेल लिख देता हूँ। अब सेल के अंदर किसी चीज़ को आना है, अगर उसे बाहर से सेल के अंदर ना, यहाँ से सेल के अंदर डालने में अगर हमें एनर्जी खर्च करनी पड़े, हमें एटीपी खर्च करनी पड़े, तो हम उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अगर एनर्जी ना खर्च करनी पड़े तो हम उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से होगा, मतलब जो चीज़ें होती हैं, फिजिकल चीज़ें होती हैं, उनमें एक एक नेचर होता है उनका। वो क्या करते हैं, अपने ज़्यादा जहाँ उनका कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ उसका कॉन्सेंट्रेशन किसी चीज़ का बहुत है, और एक मेम्ब्रेन है, यहाँ उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो क्या करेंगे, ज़्यादा से जहाँ उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से ऐसी जगह जाएंगे जहाँ उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो। ठीक है, आप एक घर में अपने अगरबत्ती जलाते हैं तो उस अगरबत्ती की खुशबू दूसरे घर तक भी पहुँच जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो क्या होता है, जो अगरबत्ती का स्मेल है या फिर जो उसके पार्टिकल्स हैं, उसका स्मोक का जो पार्टिकल्स है, वो जहाँ आपने अगरबत्ती जलाई है उस रूम में वो भर जाता है। ठीक है, वहाँ उसके सारे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में आ जाते हैं, तो अब वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, दूसरे रूम में जाना चाहते हैं जहाँ उसका कॉन्सेंट्रेशन कम कम है। ठीक है, तो ये एक गुण होता है हर एक फिजिकल मैटर का कि वो अपने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना जाता है। तो अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हम एनर्जी खर्च करके हम उल्टा भेजते हैं किसी चीज़ को, हम उल्टा भेजते हैं। समझिए, सेल में किसी चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी इस सेल को उसकी ज़रूरत है, और ज़रूरत है, तो बाहर में जहाँ उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है हम उसको ज़बरदस्ती सेल के अंदर लेके आ रहे हैं किसी चीज़ को, और इसके लिए हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो इसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है उसका बहुत ज़्यादा, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है उसका बहुत कम, फिर भी वो अंदर नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि उसका नेचर है
ऐसा कि वो अंदर ना आ पाए। मतलब वो सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेल की, वो क्या होती है, लायोफोबिक होती है, वो पानी पानी से वो दूर रहती है। और जो पार्टिकल है समझिए वो लायोफिलिक है, पानी से उसे प्रेम है, तो वो क्या करेगा, वो सेल मेम्ब्रेन से अंदर नहीं जाने देगा। तो फिर यहाँ प्रोटीन के चैनल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, प्रोटीन के चैनल्स, मतलब ऐसे रास्ते बन जाते हैं जिसमें से ये जो सब्सटेंस है वो एक साइड से दूसरे साइड चले जाए सेल के, ठीक है। और इसे हम फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जहाँ कैरियर प्रोटीन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। मैं जब ट्रांसपोर्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसे बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, पर अभी आप ये याद कर लीजिए, या अभी थोड़ी सी देर के लिए आप इसे समझ लीजिए। पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी क्या होता है, एनर्जी खर्च नहीं होती है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से होता है, ठीक है। आ देखिए, अभी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयन्स आर जनरली एब्जॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो मैंने आपको यहाँ जो घटना बताई थी, यहाँ इसे डिफ्यूजन कहते हैं। कोई सब्सटेंस अपने हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाए तो इसे हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। तो जनरली क्या इधर कहा गया है, छोटे अमाउंट में मोनोसेकेराइड्स जैसे कि ग्लूकोज, फिर अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन के, जो प्रोटीन को एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन हाइड्रोलिसिस का, या फिर प्रोटीन को तोड़ने का एंड प्रोडक्ट है अमीनो एसिड, उसे और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे क्लोराइड आयन्स को क्या करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से हम म्यूकोसा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर लेते हैं और फिर ब्लड में उसे डाल देते हैं। ओके, ये पेज आपको समझ गया, आप दूसरे पेज पे जाते हैं। देखिए, द पैसेज ऑफ दिस सब्सटेंस इन टू द ब्लड डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मैंने आपको ये समझाया कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से रहेगा कि कौन सा सब्सटेंस जो है ब्लड के अंदर जाएगा और कौन सा सब्सटेंस जो है ब्लड के अंदर नहीं जाएगा। हाउएवर, सम सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। इसे क्या कहेंगे, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहेंगे, जब कैरियर प्रोटीन्स हम यूज करके ऐसे सब्सटेंस जो हैं जो कि लायोफोबिक लायोफिलिक हैं उन्हें हम अंदर लेने के लिए क्या करेंगे, कैरियर प्रोटीन्स यूज करेंगे और इसे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्या होता है, देखिए अगर यहाँ दो कप रखे हैं, इसमें जो है बहुत ज़्यादा शक्कर है और इसमें जो है कम शक्कर है, इस वाले में बहुत ज़्यादा शक्कर है और ये पानी पानी और शक्कर मिला के हैं, और इसमें ये वाला जो सॉल्यूशन है यहाँ शक्कर कम है पानी ज़्यादा है, तो क्या हुआ, यहाँ पानी के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। ओके, तो इसका जो है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट या फिर इसका जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो क्या है, ज़्यादा है। मतलब ये वाटर जो है यहाँ से छोड़ के यहाँ आना चाहेगा, क्यों, बिकॉज यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं। तो जब ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, जब सॉल्वेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट रहते हैं, सॉल्वेंट वाटर हुआ, तो जब सॉल्वेंट अपना सॉल्वेंट जब ट्रांसपोर्ट करे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, सॉल्वेंट जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के सहारे एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में जाए तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, और ये हमें वाटर में देखने को मिलता है क्योंकि वाटर ज़्यादातर सॉल्वेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे वाटर का ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में। द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑकर्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर्स एनर्जी। यही मैंने आपको पिछले स्लाइड में सब समझा दिया है कि आपको एनर्जी लगेगा, बिकॉज एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगता है और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाता है, ठीक है। वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमीनो एसिड्स, मोनोसेकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम आर अब्जॉर्ब इन टू ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म, ठीक है। सेम सेम हर बार ग्लूकोज, हर बार ये बस याद रखिएगा कि सोडियम यहाँ दिया है, वहाँ क्लोराइड आयन दिया था, सोडियम आयन, सोडियम आयन है, बाकी सब तो सेम ही दिया, अमीनो एसिड हर जगह दोनों जगह नाम थे, खाली सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को याद रखिएगा कि क्लोराइड आयन को जो है हमें क्या करना पड़ता है, सिंपल डिफ्यूजन से जाता है और सोडियम आयन जो है उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से लिया जाता है। देखिए, अब फैटी एसिड्स को क्या किया जाता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स बीइंग इनसोल्यूबल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसल्स व्हिच मूव इनटू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ठीक है। क्या होता है, मिसल्स जो है ये क्या होते हैं, लायोफोबिक होते हैं, मिसल्स कह रहा हूँ,
फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स, ये क्या होते हैं, ये जो है लिपिड्स हैं और ये इनसोल्यूबल होते हैं पानी में, ठीक है। और वाटर में बहुत ज़्यादा पानी का मात्रा होता है, या फिर वाटर में बहुत ज़्यादा वाटर बोल रहा हूँ, ब्लड में बहुत ज़्यादा पानी का मात्रा होता है, इसके लिए ब्लड में डायरेक्टली नहीं जा पाते, ठीक है। तो इन्हें क्या किया जाता है, पहले इन्हें बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है, ठीक है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में पहले तोड़ा जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को, जिसे हम मिसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मिसल्स, ठीक है। अब उसके बाद इन मिसल्स को जो है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में हमने तोड़ लिया, अब मिसल्स के ऊपर प्रोटीन का एक पतला सा कोट लगा दिया जाता है, ठीक है। और फिर ये इनको क्या हम कहते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स, ठीक है। और फिर इनको जो है लिम्फ वेसल्स में डाल दिया जाता है, इंटेस्टाइनल विली के, जिसे हम लैक्टल्स कहते हैं, ठीक है। लिम्फ वेसल्स को जो, ये रहा लिम्फ वेसल, जिसे हम क्या कहेंगे, लैक्टल। ये देखिए, ये एक विली है, यहाँ लिखा हुआ है, और ये लैक्टल है, बीच में जो येलो पार्ट है उसे लैक्टल कहते हैं, और ये कैपिलरीज है। तो ये विलीज हैं, उस विली हैं, और फिर लैक्टल कहा जाता है इन्हें, जो लिम्फ वेसल्स हैं उन्हें लैक्टल कहा जाता है, इंटेस्टाइन के लिम्फ वेसल। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसके लिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ओके, किसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फैट ग्लोबल्स को, जिनके ऊपर प्रोटीन का कोट है, जिन्हें कि काइलोमाइक्रॉन्स कहा जाता है। ओके, आगे पढ़िए। दिस लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली रिलीज अब्सॉर्ब सब्सटेंस इन टू द ब्लड स्ट्रीम। अब ये लिम्फ वेसल क्या करते हैं, यहाँ अल्टीमेटली यहाँ आके फिर ब्लड में डाल देते हैं इन काइलोमाइक्रॉन्स को, या फिर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को। ओके, समझ गए आप। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ये इसका एब्जॉर्प्शन होता रहता है एलिमेंट्री कैनाल के, जैसे कि माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन का फोटो लगाई, देखिए ड्यूडोनियम तक पूरा डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद जो है जेजुनियम और इलियम, ये खाली, इनमें बहुत कम डाइजेशन होता है पर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इसके लिए इतना ज़्यादा हमारा इंटेस्टाइन इतना ज़्यादा बड़ा है, बिकॉज क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड का जो न्यूट्रिएंट है, फूड के जो एब्जॉर्बेबल थिंग्स हैं, उन्हें हम एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन ले पाए अपने खाने से। इसके लिए इंटेस्टाइन इतना बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा लंबा होता है, करीब करीब 9 मीटर्स का होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, फिर भी इसे स्मॉल कहा जाता है। तो हमारा इंटेस्टाइन इतना बड़ा होता है ताकि यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन की एक्टिविटीज़ होती है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यू विच यूटिलाइजेस देम फॉर देयर एक्टिविटीज, दिस प्रोसेस कॉल्ड एसिमिलेशन। अब जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, डाइजेस्टिव ट्रैक से जो फूड एब्जॉर्ब किया हमारे ब्लड ने, वो ब्लड क्या करता है, अभी सेल्स के पास आके उन्हें दे देता है, टिश्यूज के पास आके उन्हें वो फूड दे देता है, और ये जो टिश्यूज हैं, ये जो सेल्स हैं, क्या करते हैं, इस फूड का यूज़ करते हैं अपने काम के लिए, जिसे जिस काम के लिए वो फूड चाहिए, फूड का काम है, उसी काम के लिए उसे यूज़ कर किया जाता है, और इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। मैंने काम काम बहुत बार वर्ड बोल दिया है, तो एक बार वापस से समझा देता हूँ कि क्या होता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक से हमने फूड को एब्जॉर्ब किया है, ब्लड उस एब्जॉर्ब फूड को लेके टिश्यूज़ और सेल्स के पास पहुँचती हैं और उन्हें फूड दे देती हैं, फिर टिश्यूज़ और सेल्स उस फूड को अपने काम के लिए यूज़ करते हैं, और इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। द डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाई इंटू कोहरेंट फिशेस। अब जो डाइजेस्टिव वेस्ट है, जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है फूड का, उसे सॉलिडिफाई कर दिया जाता है, और उसे अब उसे फिशेस कहते हैं, ठीक है। इन रेक्टम इनिशिएट सॉलिडिफाइड अ न्यूरल रिफ्लक्स कॉजिंग एन अर्ज और डिजायर फॉर इट्स रिमूवल। तो क्या हुआ, जो बहुत ही ज़्यादा उसमें वाटर कंटेंट था, जब लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा जो है अनडाइजेस्टेड फूड गया, तो वहाँ उसमें से इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी और बहुत सारे कुछ कुछ ड्रग्स को एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब वो क्या हुआ, कोहरेंट फीसेज हो गया, जैसे वो रेक्टम में जाता है तो हमारा न्यूरल रिफ्लक्स आता है, मतलब हमारा ब्रेन जो है मैसेज भेजता है कि तुम्हारा बाउल जो है, तुम्हारा रेक्टम जो है फुल हो रहा है, अब जाओ बाथरूम के लिए, टॉयलेट के लिए जाओ। और फिर हम अपना स्टूल पास करते हैं, ठीक है। द इजेक्शन ऑफ फीसेज इन टू टू द आउटसाइड थ्रू एनल ओपनिंग डिफिकेशन, ठीक है। स्टूल को पास करने को साइंटिफिक वर्ड है डिफिकेशन, हम डिफिकेट करते हैं, ठीक है। डिफिकेट मतलब अनडाइजेस्टेड फूड को अपने एनस से पास करना, एनल ओपनिंग से। इज वॉलेंटरी प्रोसेस एंड इज कैरिड आउट बाय मास्कुलर। अभी हमारे हाथ में, ऐसा आपका हुआ है कि बिना आपको पता लगे ही आपका स्टूल पास हो जाए,
ऐसा किन लोगों के पास, किन लोगों के साथ होता है जिनका कोई स्पाइन में चोट आ गई है, इसके वजह से क्या होता है, उनका अपने एनस के मसल्स से कंट्रोल छूट जाता है और उसकी वजह से वो उन्हें पता ही नहीं लगता कि कब उनका स्टूल पास हो गया है, ठीक है। या फिर किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो भी जो है न्यूरल सिग्नल नहीं पहुंचता और स्टूल और यूरिन अपने आप पास हो जाता है। तो जो स्वस्थ आदमी है उसका क्या होता है, ब्रेन सिग्नल भेजेगा कि भाई आपका जो है रेक्टम फुल हो चुका है, अब स्टूल पास करो। और जब हम स्टूल पास करने जाएंगे तो हम अपनी मर्जी से चाहेंगे तभी हम स्टूल पास करेंगे, ठीक है। और ये कैसे होगा, मास पेरिस्टेलिसिस से, मतलब तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा एनस के मसल्स में, ठीक है। कहाँ गया मेरा कर्सर, रिटबिट, ये रहा, देखिए। तो बहुत ज़्यादा जोर से ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होगा एनस के मसल्स में और जो फीसेस हैं या फिर जो स्टूल है वो बॉडी के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ थोड़े बहुत डिसीजेज के बारे में बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक के, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, द इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। क्या होगा, देखिए इंटेस्टाइनल ट्रैक का जो है सबसे कॉमन कोई सी बीमारी है, कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन अगर हो जाए तो हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक क्या है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है वहाँ, मतलब वो सूज जाता है इन इन्फेक्शन की वजह से। ये इन्फेक्शन बहुत कारणों से होते हैं, जैसे कि टेप वॉर्म से, राउंड वॉर्म से, थ्रेड वॉर्म से, हुक वॉर्म से, पिन वॉर्म से, ठीक है। इसके बहुत अलग अलग कारण होते हैं इस इन्फेक्शन के। तो चलिए अब एक एक करके जो डिसीजेज हैं डाइजेस्टिव ट्रैक की उसे हम पढ़ लेते हैं एक बार। जॉन्डिस, जॉन्डिस क्या है, देखिए जॉन्डिस में आपको, इसको हम हिंदी में पीलिया कहते हैं। क्या हो जाता है ये, देखिए नॉर्मल आदमी है, इसका कलर कैसा है स्किन का, और जॉन्डिस में जो है कलर कैसा हो गया है, ये येलो हो जाता है, आँख, नाखून, ठीक है, जो हमारे पाल में हथेलियाँ हैं वो येलो येलो नज़र आने लगती हैं, मुंह भी येलो, चेहरा भी येलो नज़र आने लगता है। क्यों ऐसा होता है, हमारे लीवर की कुछ गड़बड़ी हो जाती है, लीवर में खराबी आ जाती है और वो जो है जो ब्लड को ब्रेकडाउन हो रहा है, जो हमारे पुराने ब्लड सेल्स हैं जो उन्हें उन्हें फिर पुराने ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और जो है उन्हें लीवर को हैंडल करना होता है। जब लीवर इन टूटे हुए ब्लड सेल्स को हैंडल नहीं कर पाता है, ठीक है, ठीक से मैनेज नहीं कर पाता है, तो क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। आपको याद याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर में ही, कि लीवर के बाइल में क्या क्या होता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये दो पिगमेंट्स होते हैं। तो बिलीरुबिन क्या होता है, हमारे बॉडी में बिल्डअप होने लगता है और फिर हमारे अलग अलग हर सेल में पहुंच जाता है वो बिलीरुबिन, और बिलीरुबिन का कलर येलो है, इसके लिए हमारा स्टूल का कलर भी येलोइश आता है। क्यों, बिकॉज उसमें बिलीरुबिन होता है। कहाँ से बिलीरुबिन आता है, बाइल से, बाइल कहाँ से आता है, लीवर से, ठीक है। तो जो ब्लड का ब्रेकडाउन होता है उसमें बिलीरुबिन नाम का एक पिगमेंट निकलता है और वो पिगमेंट हमारे लीवर जो है एक्सक्रीट कर देता है हमारे बाइल जूस में, और बाइल जूस के माध्यम से वो एक्सक्रीट हो जाता है हमारे बॉडी से, ठीक है। इसके लिए हमारा स्टूल येलो कलर का होता है। लेकिन जब क्या होता है, लीवर ख़राब हो जाता है या फिर लीवर में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो वो हैंडल नहीं कर पाता है जो ब्लड है ब्रेकडाउन हो रहा है उसका, और इसके वजह से बिलीरुबिन हमारे बॉडी में इकट्ठा होने लगता है, इसके लिए हम येलो दिखने लगते हैं। देखिए वही लिखा है यहाँ, द लीवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड ईयर टर्न येलो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट के डिपोजिशन की वजह से येलो हो जाता है। बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट का नाम मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बिलीरुबिन क्या है नाम, बिलीरुबिन, बिली रूबिन, बिली रूबिन, ओके। चलिए अब देखिए अगला डिसीज क्या है, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग में क्या होता है, इट इज इंजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय वॉमिट सेंटर इन मेडुला, अ फीलिंग ऑफ नॉजिया प्रोड्यूस प्रेसिड्स वॉमिटिंग। क्या होता है वॉमिटिंग, मतलब जो स्टमक का कंटेंट है उसे इंटेस्टाइन में जाना चाहिए, लेकिन जो स्टमक का कंटेंट है वो मुंह से बाहर निकल जाता है, ओसोफेगस से होते हुए मुंह से बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये रिफ्लेक्स एक्शन, वॉमिटिंग का एक्शन कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन, ब्रेन का कौन सा पार्ट, मेडुला, इसका पूरा नाम है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा जो हमारा ब्रेन का पार्ट है वो कंट्रोल करता है वॉमिटिंग के सेंसेशन को। अब वॉमिटिंग से पहले आपको ऐसे अनईज सा फील होता है, ठीक है, अनईज सा फील, उल्टी उल्टी जैसा होना, उल्टी होने से पहले में उल्टी होने की फीलिंग आती है, इसे नौजिया कहा जाता है, ओके, नौजिया कहा जाता है इसे।
इस फीलिंग के बाद ही वोमिटिंग होती है, ठीक है। तो हमें पता लग जाता है कि हमें उल्टी होने वाला है, और इसके इससे इसके वजह से क्या होता है पता है, आपका इपिग्लॉटिस जो है, इपिग्लॉटिस मतलब जो ओसोफेगस फूड और एयर का कॉमन पाथवे है, फेरनेक्स, ठीक है। और फिर फेरनेक्स से होते हुए क्या, इधर ट्रैकिया निकल जाता है और पीछे के जगह से ओसोफेगस निकल जाता है, और यहाँ एक फ्लैप होता है जो कि एयर विंड पाइप को या फिर ट्रैकिया को बंद कर देता है ताकि इसमें फूड ना जा पाए विंड पाइप में। इसके वजह से जो हम खाना खाते तो हमें बोलना नहीं चाहिए, क्या होता है उसे उसे विंड पाइप का जो इपिग्लॉटिस वो खुला रह सकता है और हमारे ट्रैकिया में फूड जा सकता है, इसीलिए खाना खाते समय हमें बोलना नहीं चाहिए। तो क्या मैं बता रहा था आपको, हाँ, तो इस फीलिंग की वजह से जो है ये हमारे इपिग्लॉटिस बंद हो जाता है या फिर इपिग्लॉटिस को सेंसिटिव हो जाता है, और जैसे ही फूड अंदर से ऊपर आता है तो इपिग्लॉटिस बंद हो जाता है, इसकी वजह से हमारे यहाँ जो फूड नहीं जा पाता ट्रैकिया में, और यहाँ मुंह से वो पूरा फूड बाहर निकल जाता है। कभी कभी बहुत जोर का अगर उल्टी आएगी तो नाक से भी फूड बाहर निकल लगता है, ठीक है। तो बहुत ही सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो जाती है उल्टी होने के समय में, ठीक है। और आपने देखा होगा जब आप बस में जाते हैं तभी भी आपको उल्टी आने लगती है, क्यों ऐसा होता है, बिकॉज हमारे आंखें देख रही हैं कि हम आगे जा रहे हैं। हमारे आंखें क्या देख रही हैं कि नहीं, हम एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, पर हमारे जो कान के अंदर फ्लूइड होता है वो क्या होता है, वो हिल रहा होता है, मतलब हमारे ब्रेन को एक कान सिग्नल दे रहा है कि जो है तुम चल रहे हो, लेकिन हमारे आईज क्या दिखा रहे हैं कि अरे हम तो एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, हमारे पैर तो यही हैं। तो क्या होता है, तो ब्रेन को लगता है कि इसने कुछ ऐसा खा लिया है जिसके वजह से ऐसे फीलिंग्स आ, मतलब अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग मैसेज भेज रहे हैं। तो वो क्या करता है, ब्रेन ब्रेन हमारा बहुत चालाक है, वो क्या करता है, बोलता है कि कुछ उसने खा लिया गलत, इसके लिए इसे इसी वजह से इसको जो है ऐसे अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग मैसेज भेज रहे हैं मेरे पास। तो ब्रेन क्या करता है, मेडुला को एक्टिव करता है, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा को, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा भेजता है पेट को सिग्नल कि भाई उल्टी कर दो, इसने कुछ गलत खा लिया है। तो क्या करता है, हमारा पेट जो है जोर जोर से पंप करने लगता है या फिर जोर जोर से मूवमेंट करने लगता है, जिसकी वजह से पूरा हमारा जो स्टमक का कंटेंट है वो मुंह से बाहर निकल जाता है, जिसे वोमिटिंग कहते हैं। इसलिए डायरिया, डायरिया के बाद और कितना है, और दो डिसीजेस हैं, जल्दी जल्दी हम इसे ख़त्म कर देते हैं, आपका लेसन ख़त्म हो जाएगा। डायरिया क्या, डायरिया मतलब लूज स्टूल, स्टूल की लिक्विडिटी या फिर फिजस की लिक्विडिटी बढ़ जाने पे, और बाउल का मूवमेंट है, बहुत बार आपको स्टूल पास करने का मन होगा और बहुत बार आपको टॉयलेट में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी क्यों होता है, ये आप अगर कुछ ख़राब खा लेंगे या फिर कुछ ऐसा खा लेंगे जो आपको नहीं खाना चाहिए था, तो हमारी हमारे बॉडी जो है वो लिक्विडिटी बढ़ा देता है स्टूल की, और फिर बहुत बार आपको स्टूल पास करना पड़ता है, इसे डायरिया कहा जाता है। और बाउल मूवमेंट बहुत बार होती है, मतलब बहुत बार आपको स्टूल पास करना पड़ेगा और स्टूल की लिक्विडिटी बढ़ जाती है। ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को कम कर देता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को कम कर देता है, और बहुत सारा पानी बाहर जाने की वजह से डिहाइड्रेशन की भी कंडीशन आ जाती है, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है बहुत ज़्यादा फ्लूड बाहर जाने की वजह से। इसके लिए डायरिया को बहुत ही सीरियसली ट्रीट किया जाता है, ओके। कॉन्स्टिपेशन, देखो कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या, कॉन्स्टिपेशन मतलब आपको पता होगा कब्ज, कब्ज हो जाता है मतलब आपका स्टूल जो है हार्ड हो जाता है या फिर बहुत दिन तक स्टूल पास ना होना, ठीक है। फीसेज आर रिटेन्ड विद इन द रेक्टम एज द बाउल मूवमेंट्स आर ऑकर एज द बाउल मूवमेंट्स ऑकर इरेगुलरली, मतलब जो फीसेज आपके बहुत ही हार्ड हो जाती हैं और वो बाहर ही नहीं पास होती, इसके लिए जो है आपका आप जो है इसे कब्ज कहा जाता है हिंदी में, इसकी वजह से आप स्टूल पास नहीं कर पाते बिकॉज वो बहुत हार्ड हो गई होती हैं और बाहर नहीं जाती, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाउल मूवमेंट इरेगुलर हो गया रहता है, मतलब जब उसे स्टूल पास करना चाहिए तब वो पेरिस्टलेसिस नहीं कर रहा है, इसकी वजह से स्टूल हार्ड हो जाता है और वो उसका बहुत ज़्यादा वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी, और स्टूल एकदम पत्थर की तरह हार्ड हो जाता है। इनडाइजेशन लास्ट है ये बीमारी, देखिए, इन दिस कंडीशन द फूड इज़ नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू फीलिंग ऑफ फुलनेस, क्या होता है इसमें, फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं किया जा रहा है, एंजाइम्स ठीक से सिक्रेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस ठीक से सिक्रेट नहीं हो रहे और फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हमें भूख बहुत कम लगती है, ऐसा लगता है कि पूरा पेट भरा ही हुआ है, डाइजेशन हुआ ही नहीं है। द कॉज ऑफ इनडाइजेशन आर इनएडिक्वेट, वेट वेट, इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशंस, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड, ठीक है, बहुत सारे कॉज हैं इसके, एंजाइम कम सिक्रीट हो रहा है, एंजाइटी, घबराहट हो रही है आपको, फूड
ऐसा फूड खा लिया है जो कि फूड पॉइजनिंग हो गई आपको, मतलब ऐसा फूड खा लिया, बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड फूड खा लिया है, माइक्रोब्स से इन्फेक्टेड फूड खा लिया है, जिससे आपके डाइजेस्टिव ट्रैक का जो प्रोसेस है वो बिगड़ गया है, या फिर आप बहुत ज़्यादा खाना खा लिए हैं, या फिर आपने बहुत स्पाइसी फूड खा लिया है, तो ये कारण था इनडाइजेशन का। ओके, तो यहाँ पर आपका डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन लेसन ख़त्म हो जाता है। आप क्या करेंगे, इस पूरे लेसन को रिवाइज करिए और खूब सारे MCQ सॉल्व करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।